मुझे लगा था तुम इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे जीत दिलाओगे। और ये मारन कौन है जो कह रहा है उसके पास ऑडियो एविडेंस है? कोई दो पैसे का जर्नलिस्ट है सर, मैं जल्दी सब ठीक कर दूंगा। उसे मारने के लिए तूने कैसे आदमी भेजे? एक पोलियो का मरीज तुमसे संभलता नहीं है, बड़े आए गुंडे गुंडे बन। नेगेटिव को पब्लिश करना ही तो फैशन है मुन्ना, नेगेटिव न्यूज ही पब्लिश होनी चाहिए। अगर हम अच्छे से लिखे तो, और जो जैसा है उसे वैसे ही लिखे तो लोग पसंद करेंगे सर उसे। यहाँ से आता हुआ मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैनर नहीं है क्या तुम्हारे पास? मुझे लगता है मारन के ऑफिस की एक लड़की उसे पसंद करती है। किसको ये गधा पसंद आ गया? मेरे भाई में क्या खराबी है? तुम मुझे पसंद हो, पर तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी बहन पसंद है। चिटो, एक घंटे में तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम क्या एक जॉब पर नहीं टिक सकते? जल्दबाजी मत करो, एक बार फिर से सोच लो। हम तो सच ही बता रहे हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। पहले बस प्रेस के बीच में ही बदनाम थे, पर अब जनता भी तुम्हें पसंद नहीं करती है। नेताजी के आदर्शों पर चलते रहे तो पत्ता कट जाएगा। हम मारन से एविडेंस लेकर उसे तबका देते हैं। इलेक्शंस के बाद मैं फिर से वापस आऊंगा, बता अब तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? उसे प्राइवेट में तुमसे कुछ बात करनी है। ये सच कई लोगों को परेशान करेगा। पुलिस वाले पर हाथ उठाया। You are the best investigative journalist here. So get up and fucking investigate. I am going after him. और अगर तुम है तो रोक के दिखा। लाइफ में सही रास्ते पर चलना जरूरी है, लेकिन दिमाग से तेज होना उससे भी ज्यादा जरूरी है।